एक सलाह तो मैं आपको पक्की देना चाहता हूँ कि कभी दोस्तों के साथ मत घूमो, 8-10 लड़के लेकर मत घूमो, 8-10 छोड़ो, 2-3 भी नहीं होने चाहिए। जिस दिन भी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ होंगे, तुम कभी किसी लड़की से बात नहीं कर सकते। अकेले रहो, शेर हमेशा अकेला रहता है, प्लेबॉय हमेशा अकेला घूमता है। तुम देखोगे, जब तुम अकेले होगे तो तुम डरोगे नहीं, तुम दोस्तों के साथ हमेशा या तो डरोगे या कोई बदतमीजी कर दोगे। तुम्हें जानकर दुख होगा कि तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा तुम्हारा दोस्त है। कई बार कोई लड़का हिम्मत करके किसी लड़की से बात करने जाता है तो उस लड़की को शायद कोई एतराज़ ना हो, मगर उसकी सहेली बहुत उछलती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत कहती है थप्पड़ मार दूँगी, मैं पुलिस को बुला लूँगी, मैं अभी पापा को फ़ोन करती हूँ। तो वो जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो उसे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होगी तुमसे, मगर उसकी सहेली बड़ी परेशान हो जाएगी। लड़कियां बहुत जलनशील पदार्थ होती है, लड़कियों में जलसी कूट कूट कर भरी होती है। बहुत कम सहेलियां होती है जिनके दोस्त के साथ अगर तुम बात करो करने जाओ तो वह शांत खड़ी रहेगी। सहेलियां छोड़ो, बहनें भी ऐसी होती है, अगर तुम छोटी बहन से बात करो तो बड़ी बहन गर्दन से पकड़ने को चली आएगी। तो किसी भी लड़की से बात करने से पहले उसके फ्रेंड सर्कल को अच्छी तरीके से समझ लो। उसकी सहेली अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक तो नहीं समझती, तो कोशिश करो कि जब तुम बात करो तब उसकी नकचढ़ी सहेली उसके साथ ना हो। ये लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि जो ना अपना घर बसने देते हैं ना दूसरों का। मैं लड़कियों को सलाह देता हूँ कि अगर कोई सहेली इस जैसी हो तो उससे दूर ही रहो। अब लड़कों पर आ जाओ, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, दोस्त बड़े अजीब चीज़ होती है। तुम अपने दोस्तों के साथ अगर किसी लड़की से बात करोगे तो तुम्हारे दोस्त पीछे से चिल्लाएंगे, इशारा करेंगे, इससे तुम एक नौटंकी जैसे लगोगे, जिससे तुम्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी लेकिन तुमसे जो लड़की बात करेगी उसको परेशानी होगी। तो अच्छा यही है कि अपने दोस्तों से दूर रहो। बी अलोन जस्ट लाइक अ लायन।